हरे कृष्णा दोस्तों, आज हम बनाएंगे 12 वोल्ट का रेगुलेटर जिसको बनाना बहुत ही आसान है और ये हमारे जो वोल्टेज को अच्छे से रेगुलेट कर रहा है। अब देख सकते हो इसको बनाने बहुत ही आसान है। तो चलिए इस वोल्टेज रेगुलेटर को बनाना स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देर किए। तो दोस्तों सबसे पहले चाहिए हमें एक 10K का पोटेंशियोमीटर, देख सकते हो 10K का पोटेंशियोमीटर है, और ये एक 1 kΩ का रजिस्टर, और ये है एक LM317 IC, ये वोल्टेज रेगुलेटर IC है गाइस। इसके जो पिन डायग्राम है आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हो, और एक हीट सिंक, एक नट और बोल्ट, और दोस्तों ये है एक नोब जो हमारा जो पोटेंशियोमीटर है उसके जो नोब है इसके ऊपर लगेगी। तो दोस्तों सबसे पहले ये जो IC है इसको हमें फिट करना है इस हीट सिंक के ऊपर। तो मैं नट बोल्ट को खोल लूँगा और इसको लगा दूँगा यहाँ पर। दोस्तों उससे पहले हम हीट सिंक पेस्ट लगाएंगे क्योंकि ये जो IC है बहुत ही ज़्यादा हीट होती है, तो हीट सिंक के साथ IC का जो गैप है वो ना रहे इसलिए हमें पहले हीट सिंक पेस्ट देना पड़ेगा। तो ये हमारा IC है ज़्यादा दिन तक चलेगी। उसके बाद हम इसको लगा देंगे अच्छे से और नट बोल्ट के द्वारा कस देंगे। तो दोस्तों ये हमारा हो चुका है, देख सकते हो IC थोड़ा लूज़ है तो मैं इसको फिर से टाइट कर दूंगा। उसके बाद हम चिमटी लेके अच्छे से लेग को मोड़ देंगे, तिरछा कर देंगे थोड़ा थोड़ा करके। तो दोस्तों ये हमारा हो चुका है। अब हमें लेना है 1 kΩ का रजिस्टर को, और इसको जो लेग है इसको हम काट करके छोटा कर देंगे, लेग थोड़ा बड़ा है इसलिए। अब हमें इस 1 kΩ का रजिस्टर को सोल्डिंग कर देना है IC की मिडिल वाले लेग के ऊपर। तो दोस्तों ये हमारा हो चुका है। अब हमें इस IC को ऐसे मोड़ के फास्ट नंबर वाले पिन के ऊपर सोल्डिंग कर देना है जो हमारा पहला लेग है, और एक्स्ट्रा लेग को हम काट कर देंगे। तो मैं इसको सोल्डिंग कर दूंगा IC के फास्ट वाले पिन के ऊपर। तो ये हमारा हो चुका है। अब हमें लेंगे एक वायर, देख सकते हो छोटा सा वायर है, और इसको हमें सोल्डिंग करना है IC की फास्ट वाले पिन के ऊपर, जो फास्ट वाले लेग है इसके ऊपर। तो दोस्तों ये हमारा सोल्डरिंग हो चुका है। तो दोस्तों मैं वायर को सीधा कर लूँगा और ये अच्छे से सीधा हो चुका है, देख सकते हो। उसके बाद हम लेंगे 10K का पोटेंशियोमीटर को, और इसके जो मीटर पोटेंशियोमीटर का जो मिडिल वाला लेग है इसके ऊपर हमें इस वायर को सोल्डरिंग करना है। तो मैं इसको सीधा करूँगा अच्छे से, उसके बाद इसके उसके ऊपर सोल्डरिंग कर दूँगे। तो दोस्तों हमारा सोल्डरिंग हो चुका है और इसको अच्छे से सीधा कर लेंगे फिर से। तो दोस्तों अब हमें चाहिए वायर इसके इनपुट देने के लिए। तो रेड वाला है पॉजिटिव और ब्लैक वाला है नेगेटिव। तो मैं नेगेटिव को सोल्डिंग करूंगा पोटेंशियोमीटर के फास्ट वाले लेग के ऊपर, और जो हमारा रेड है पॉजिटिव उसको हम सोल्डिंग करेंगे IC के 3 नंबर वाले लेग के ऊपर। तो ये हमारा इनपुट हो चुका है गाइस नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये हमारा एकदम रेडी हो चुका है। अब हम दूसरा वायर लेंगे फिर से, रेड वाला है पॉजिटिव, ब्लैक वाला है नेगेटिव। तो मैं नेगेटिव को सोल्डिंग करूंगा जो फास्ट वाले लेग है पोटेंशियोमीटर के इसके ऊपर ही। तो हमारा नेगेटिव हो चुका है, और पॉजिटिव को हम सोल्डिंग करेंगे जो रेड वायर है इसको सोल्डिंग करेंगे IC के मिडिल वाले पिन के ऊपर जो हमारा आउटपुट है। तो IC के मिडिल वाले पिन के ऊपर हम इसको अच्छे से सोल्डिंग कर देंगे। तो मैं सोल्डिंग कर दिया, आप देख सकते हो। तो ये हमारा इनपुट और आउटपुट हो चुका है, ये हमारा एकदम रेडी हो चुका है टेस्टिंग करने के लिए। तो ये हमारा इनपुट वायर है, ये आउटपुट। तो मैं नोब को फिट कर दूंगा पोटेंशियोमीटर की जो पिन है इसके ऊपर लगा दूंगा। तो ये हमारा हो चुका है। आप चाहते हो इसे फेविक के द्वारा चिपका भी सकते हो। तो अब इसकी टेस्टिंग करेंगे, यहाँ पर 12 वोल्ट इनपुट देंगे और यहाँ पर हमारा एडजस्टेबल 12 वोल्ट मिलेगी। अब इसको सेट कर सकते हो किसी भी वैल्यू के ऊपर। ओके दोस्तों, तो मैं यहाँ पर 12 वोल्ट इनपुट दे दिया हूँ, और ये मैं 3.7 वोल्ट का जो LED है इसको लगा दिया हूँ। तो देख सकते हो स्विच ऑन करने से LED थोड़ा ग्लो कर रही है। तो मैं इसको थोड़ा वैल्यू बढ़ा कर रखा हूँ, इसको ऐसे रोटेट करने से जो हमारा ब्राइटनेस है वो ज़्यादा हो जाएगी। देख सकते हो ये अच्छे से काम कर रही है, ज़्यादा देंगे तो LED फ्यूज़ हो जाएगी। तो मैं इसको थोड़ा करेंगे देंगे पावर। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करके जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ओके दोस्तों, तो मैं आप 12 वोल्ट की जो LED होती है उसको टेस्टिंग करेंगे। तो देख सकते हो बहुत अच्छे से काम कर रही है, देख सकते हो बहुत ही अच्छे से काम कर रही है। और ये IC है बहुत ही ज़्यादा हीट हो रही है, आप चाहते हो हीट सिंक और हैवी देना, ज़्यादा एम्पेयर खींचेगा तो ज़्यादा ये जो IC है गर्म होगा। तो देख सकते हो ब्राइटनेस, और ये अच्छे से जो काम कर रही है एकदम हमारा जो वोल्टेज रेगुलेटर है। तो दोस्तों अब हमें इसको मोटर के ऊपर कनेक्शन कर दिया हूँ, देख सकते हो ये 12 वोल्ट की मोटर है। तो मैं इसको ऑन करता हूँ। तो
तो दोस्तों देख सकते हैं ये जो हमारा आईसी है यानी वोल्टेज रेगुलेटर है, ये बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। तो वीडियो चले लाइक करना और ये वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट कर देना। तो दोस्तों इसका जो परफॉर्मेंस है बहुत ही तगड़ी वाली है, तो इसको बनाना बहुत ही आसान है। ये मोटर को अच्छे से और 12 वोल्ट की एलईडी को और ये 3.7 की जो एलईडी है इसको अच्छे से ग्लो कर रही है और एडजस्ट भी बहुत ही अच्छे से कर रहा है, एकदम एक्यूरेट। तो इस सर्किट को हम एक बॉक्स के अंदर फिट करेंगे। तो सबसे पहले लेंगे पीवीसी पाइप, तो और मैं इसको फटाफट काट करके एक बॉक्स बना लूँगा फटाक से। तो मैं एक बॉक्स बना लिया होगा देख सकते हो, और इसके ऊपर एक होल भी करके रखा हूँ और नीचे वाले जो पीस है इसके ऊपर भी एक होल करके रखा हूँ। आप भी बना लेना। तो मैं नोब को खोल लूँगा और जो नट है इसको भी खोल लूँगा। उसके बाद हम इस जो आईसी और ये जो पोटेंशियोमीटर है इसको हम इसके अंदर फिट करेंगे और ऊपर से जो स्क्रू है इसको टाइट कर देंगे। स्क्रू ने गैस नट जो है नट या बोल्ट कुछ भी है मैं इसको लगा के अच्छे से टाइट कर दूँगा। तो ये हमारा हो चुका गैस। अब हम इसको फिट करेंगे जो आईसी है इसको यहाँ पर फेब के द्वारा चिपका देंगे। तो ये भी हमारा हो चुका है दोस्तों। वायर को बाहर निकालने के लिए यहाँ पर हमें काट लगाना पड़ेगा, तो मैं एक फाइल लूँगा और इसको ऐसे घिस दूँगा। तो दोस्तों हमारा रेडी हो चुका है। अब हम वायर को यहाँ पर निकाल लेंगे दोनों साइड से और ऊपर का जो ढक्कन है इसको लगा के फेविक के द्वारा अच्छे से चिपका देंगे। होल में इसलिए रखा होगा जो हमारा हीट होती है आईसी, तो ये हीट जो है निकलेगी इस साइड। तो ये हमारा रेडी हो चुका है गाइस, और ये इनपुट आउटपुट आपको देख लेना है और नोब को भी लगा देंगे और इसके ऊपर हम लिख देंगे जहाँ पर इनपुट और आउटपुट है। तो मैं मार्क कर लूँगा और लिख दूँगा फटाफट। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, तो प्लीज़ भाई वीडियो को लाइक कर देना। तो दोस्तों यहाँ पर डीसी इनपुट होने वाली है और यहाँ पर हमारा जो आउटपुट निकलेगी वेरिएबल डीसी। तो यहाँ पर मैं एरो कर देता हूँ। ओके दोस्तों, तो ये हमारा हो चुका है। इसको हम फिर से एक बार टेस्ट करेंगे। देख सकते हो इनपुट डीसी और ये आउटपुट। दोस्तों आपको इनपुट और आउटपुट ध्यान रखनी है, अगर इनपुट की जगह आउटपुट लगाओगे और आउटपुट की जगह इनपुट तो हमारा आईसी जो है ख़राब हो सकती है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। और ये अच्छे से कंट्रोल कर रहा है मोटर को, आप देख सकते हो और आपने आगे भी देखा। तो वीडियो आई कैसे लगे कमेंट करना। आज के लिए बस इतना ही, और ये वोल्टेज लेवल कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना। जय श्री कृष्ण। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।